रोटी गैंग वाले खाना खा के अभी भी आराम नहीं इनको। उस्ताद जी को ढूंढ लिया, ये है उस्ताद जी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज खरजानी, यू आर वाचिंग। आज की वीडियो का आगाज करते हैं उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी मैं निकला हूँ जी काम पे, और बाहर जब देखा तो मौसम कुछ ऐसा है, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट होगी। देखते हैं बारिश सही तरह कब होना शुरू हो जाती है। गर्मी काफी थी दोपहर में, थोड़ा सा मैंने काम भी किया था। चलते हैं अभी गाड़ी की तरफ। हाँ जी, अभी डिलीवरी आ गई है। सामने टाको बामा रेस्टोरेंट है, 3.4 माइल जाना है और 10.43 सेंट की है। तो चले आ जाए, मिलते हैं टाको बामा। बादल हुए लेकिन गर्मी उसी तरह ही है। हाँ जी, डिलीवरी गया हूँ पिक करने के लिए, और अच्छी बात यह कि बिल्कुल डिलीवरी रेडी थी, और डिलीवरी मैंने पिक कर ली है। अभी इसको ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे लेके जाते हैं, डिलीवर करते हैं इसको। तो आ गए मेरे साथ साथ। हाँ जी, डिलीवरी कर दी है। ओह माय गॉड, वाओ, करीब ही थी, ज्यादा दूर नहीं थी। तो अभी चलते हैं वापस और देखते हैं रास्ते में कोई डिलीवरी आती है तो डिलीवरी करते हैं, वरना देखते हैं क्या बनता है। हाँ जी, डिलीवरी करने के बाद अभी तक कोई जॉब जो नहीं आई। इसके बाद मैंने एक राइड की जरूर की थी, छोटी सी वो राइड की, उसके बाद तकरीबन अभी आधा घंटा हो गया इंतज़ार कर रहा हूँ और कोई जॉब नहीं मिल रही। आज बहुत स्लो है काम, बहर चले इस तरह तो होता, फिर कोई नहीं हो जाएगा। दो चार अच्छी जॉब्स आ जाएँ तो जो है आपका टारगेट पूरा हो जाता है। चले मैं भी इंतज़ार करता हूँ अभी कि क्या आती है नई जॉब। वो डिलीवरी आती है या राइड आती है, तो मिलते हैं आपको नई जॉब आने पे। आखिर आधा घंटा इंतजार करने के बाद अभी डिलीवरी आई है, और ये 3.5 मील जानी है, 10.34 सेंट की है, और ये चिक फिले जहाँ से आई है। तो अभी पिकअप करते हैं, उसके बाद डिलीवर करते हैं। इतनी देर बाद अभी डिलीवरी आई है, और इधर आया पिकअप के लिए तो वो डिलीवरी भी रेडी नहीं है। बंदा उधर खड़ा हुआ, वो कहता जी रेडी नहीं है, कुछ टाइम लगेगा। काम भी स्लो है आज बहुत, और बादल भी गायब हो गए और गर्मी हो गई है, और डिलीवरी शिलीवरी काम रुका हुआ है, और ऊपर से देर भी हो रही। चले कोई बात नहीं, ये देखें पहले बादल थे इतने प्यारे, अभी मौसम कैसा हो गया। चले मिलते हैं, डिलीवरी पिक करते हैं उसके बाद। नहीं जी, ऑर्डर मिल गया, कितनी देर वेट कराया इन्होंने। अभी बस चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ और इसको रखते हैं और डिलीवर करके आते हैं, देखते हैं पैसे कितने बनते हैं। हाँ जी, डिलीवरी कर दी और अभी चलते हैं वापस। हाँ जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आ गई। एक दफ़ा डिलीवरी आई मुझे करीबी रेस्टोरेंट से उठानी थी, और यहाँ से लेके जानी थी नाइजेरिया में। तो वो जब मैंने माइल चेक किए, नीचे लिखे थे 5498 माइल्स यहाँ से दूर थी। जेन में ख्याल आया कि हेल्पलाइन पे कॉल करके उनसे पूछता हूँ कि आप इसके पैसे दे रहे हैं साथ जाने के लिए, रिटर्न टिकट भी देंगे कि नहीं। कभी नहीं। कभी ऐसे ड्रामे भी हमारे साथ हो जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी मैंने शेयर किया, आप खुद भी चेक कर लीजिएगा। ये देखें जी, काम नहीं है अभी। रोटी गैंग भी जो गाड़ियों से निकल कर इस गेवाड़ी को गाड़ी खाली है, वो जो सरदार है उनका उसकी गाड़ी भी खाली, ये बैठे हुए ये विक्की भाई, ये सामने मलिक साहब बोल रहे, पीछे पीछे इनका सरदार बैठा, और ये कोई प्रोग्राम बना रहे हैं अभी। इनका प्रोग्राम बन रहा है अभी कोई रोटी खाने का, मुझे लग रहा है ऐसे, क्योंकि इस तरह मुस्कुरा रहे हैं, और काम शाम कोई नहीं है, इन्होंने अभी निकल जाना कहीं। मलिक साहब, मलिक साहब क्या प्रोग्राम है आपको? राणा साहब पूछ रहे किधर लेके जाना है, दसो घूम करो। हाँ जी, क्या वो कह रहे, किधर लेके जाना है? बार बार वो को मैंने पता कहना किधर लेके जा रहे हैं, मुझे नहीं कहना हूँ किथे जाना तुझे। क्या मलिक साहब कहना चिकन हो रही थी, ये बिकनी हो रही है। हाँ करना, मैं आन दे कोई $200 की डिलीवरी, एक मील भी मैं करना थोड़ा सा। हाँ जी सही है ना, कोई डिलीवरी आए $200 एक मील की, फिर इनको मैं खिलाऊंगा खाना।
देखते हैं दो सौ। ये देखा ये मॉन्स्टर पिज्जा ऑर्डर किया किसी ने 24 इंच का और साथ ही कुछ चीजें, तो मैंने पिकअप करने हैं अभी डिलीवर करता है अपने मोहल्ले में आया डिलीवरी के लिए अपने एरिया में। हाँ जी ये लगता है डिलीवरी आई हुई 7-Eleven की। इस ट्रक में सामान आता है 7-Eleven का रोज के रोज ही तकरीबन डिफरेंट लोकेशन से आता है और ये डिलीवरी लेके आया हुआ ट्रक। इतना बड़ा ट्रक है यार मार संगी आए तो बहुत बड़ा ट्रक है। उस्ताद जी की गाड़ी भी खड़ी हुई है लेकिन उस्ताद जी किधर है देखते हैं, अंदर तो नहीं नजर आ रहे हैं। उस्ताद जी नहीं जी गाड़ी में नहीं है। तो उस्ताद जी है कहाँ पर, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि उस्ताद जी किधर है। रोटी गैंग की गाड़ियों सामने खड़ी है वो भी गायब है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, उस्ताद जी भी गायब है, गाड़ी इधर ही है। तो ये चक्कर क्या है आज, अभी देखते हैं ढूंढते हैं उस्ताद जी को। उस्ताद जी को ढूंढ लिया, ये है उस्ताद जी, शाबाश। उस्ताद जी हैं साथ और पापा जी हैं साथ। अस्सलाम वालेकुम पापा जी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैंने कहा उस्ताद जी कहाँ गुम हो गए, गाड़ी खड़ी है, रोटी गैंग गायब है, उस्ताद जी भी कहीं तो नहीं चले गए साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आया था अंदर। हाँ जी, काम था चाय से लेने के लिए। हाँ चाय लेने के लिए आया था, मैंने थोड़ी सी। और ये दूरियां डालनी है आपने, मिलते नहीं अभी आप हमें? नहीं नहीं इधर ही काम कर रहे हैं। अच्छा। काम चलो है लेकिन काम तो बढ़ गया है। अच्छा आप ही भेज पाई आओ, काम बढ़ गया है भाई। अस्सलाम वालेकुम दादा। दादा आपको मिस किया मैंने बहुत। कैसे हैं आप? गुड हो गए, गुड हो गए। नहीं कौन कौन है ये, कौन है ये लोग, मुझे भी तो नहीं पता। क्या कर रहे थे आप जापान में, क्या था? ये रामे, रामे। अच्छा क्या करते, क्या थे ये? वो नूडल बोलते हैं, नूडल को ना ये अच्छा खाते हैं। ये तो नहीं खा सकते ना हम, बीफ वो लाल है, ये श्रिंप खा सकते हैं आप। ये बनते कैसे हैं? ये इसको खोलेंगे अच्छा, जैसे ये है पानी पा के थे वाटर डालें ठीक है गरम, तो थोड़ी देर रखें खाना शुरू करते हैं बस। गुड जॉब, ठीक हो गया। हाँ अपने ड्रिंक में डालो अपना। ये जो बात था ना ये राम है, ये खाना खत्म राम है, ये क्या खाते रहे है। ये क्या लिखा हुआ है, बिग बाइट हॉट डॉग एंड लार्ज चीज तो है क्या, ये कौन सा है? चीज बर्गर बाइट, ये नहीं हम खाते लेके चीज। उस्ताद जी कहते मैंने कितनी दफा खिलाया है इस बार में, मुझे मैंने कहा उस्ताद जी नहीं खाते। बताए सोच के सही बताए, हमने खाया कि नहीं खाया? खाना क्या बनावा, डाले डाले बनाए इसको। रोटी गैंग वाले खाना खा के अभी भी आराम नहीं इनको। और ये देखें जी कबाब लगाएंगे इसको बन में और कबाब बनेगा। वाह 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 क्या सीन है, वाह। अंडे वाला बर्गर, अंडे वाला बर्गर बनेगा, अंडे वाला, अंडे वाला। ये बना क्या घर जाकर उसमें मत दी,
दादा पिज्जा की ट्रे लाना। दादा ये क्या है? पाइन एपल है ना, पाइन एपल का पाइन एपल कोकोनट भी है, कोकोनट मिल्क भी है, मिल्क भी है ना, ट्राई करना बनता है। ये ना ये मुस्लिम जी दिया था, इसमें गर्म है, इस गंदा है मरान यार वो, तो गर्म किस में करेंगे इसमें? तुम्हारा भेजे में बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। बनाया खुद सामान बाहर से लेके आया और ये डब बनाया, इसको हीट करेगा इधर और काम यस हो जाएगा। ये दादा खुद, ओके ये दादा खुद इधर दिखाए जी उस्ताद जी, फाइनल प्रोडक्ट यमी यमी क्या होगा जी, वाह हो गया इनका यमी का। उस्ताद जी अगर आप एक मिनट में खा जाए ना सारा, मैं आपको $100 इनाम दूंगा। मजेदार मजेदार, वेरी यमी वेरी यमी, जिंदाबाद जिंदाबाद, रोटी गैंग जिंदाबाद, दादा भी जिंदाबाद। खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया, आपके साथ डील ही नहीं थी सोडा। मैं भी खा के देखता हूँ, वाह मजेदार मजेदार, मजा कम के साथ ही आज की वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।